روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. Hello everyone, what's up? My name is Adro Flow and welcome to my channel. So guys, आके मुझे almost हो गया है, पता नहीं कितना 10 दिन कुछ हो गए. It's 29th है, मैं कब आया था मुझे याद भी नहीं, मैं कब आया था. तो मेरे को कुछ 10, 11, 12 दिन हो गए आके. और मेरी आने के बाद से तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी. और जैसे आप लोगों को पता होगा कि आने से पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत दिन तक ख़राब थी. अभी तक मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, बट अभी सही हो गया. अभी मुझे समझ में आ गया कि अभी एक दो दिन में मैं एकदम सही हो जाऊँगा. तो इसके लिए आज जुम्मा है, हम लोग अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ के आए और अभी हम लोग निकल रहे हैं उमरा करने के लिए. और मैं आराम घर पे से नहीं बांध रहा हूँ, मैं बांधूंगा मिकात पे जाके, जो कि है ताइफ में. और जो भी नॉन मुस्लिम है उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा रहेगा, जो मुस्लिम है उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ रहा रहेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. क्यों ये, क्योंकि जब ये बॉम्बे से आ रहा था इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और ये उमरा करने के लिए इसकी हिम्मत और इसकी इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए हम लोग ने ड्रॉप किए. नहीं तो ये वहाँ से प्लेन वहीं से अहराम बांध के आता था. हाँ, मैं वहीं से इंडिया से. अभी ऐसा है कि इसका जो फर्स्ट उमरा है वो जद्दा से ये अहराम नहीं बांध सकता है, तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ ताइफ की मिकात पे, वहाँ से ये अहराम बांध देगा और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी इसकी उमरा की. 5 ईयर्स. यस, मैं बहुत टाइम बाद उमरा कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4-4.5 साल बाद मैं उमरा कर रहा हूँ. और मैं बहुत टाइम बाद इंडिया से आया था, इसके लिए मैं यहाँ घर पे से नहीं आराम बांध सकता. मैं ताइफ जाके ताइफ के मिकात से आराम बांध के फिर उमरा करेंगे. और रास्ते में एक भाई भी मिलेगा सैफ, उसको भी पिक करना है, फिर हम लोग साथ में उमरा करेंगे. जिब्रान मैं नहीं कर रहा. उमरा और हज ये एक ऐसी जर्नी है जो तुमको पूरा मतलब एक उसके कंप्लीट होने के बाद ऐसा एक फील कराती है कि तुम एकदम प्योर हो गए. यस, और एक रिफ्रेश, एक रीस्टार्ट, रीबूट मिलता है लाइफ में. और ये भी है कि ये हर किसी को नसीब नहीं है, ये इसके लिए इनविटेशन होना चाहिए अल्लाह की तरफ से, एक बुलावा होना चाहिए. बहुत लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने बहुत पैसा भी दिया है, दौलत दी है, लेकिन उनके पास वो बुलावा नहीं है तो वो नहीं आ पाते. तो मतलब चूजन वो नहीं होते जो यहाँ पे आ पाते. अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी हूँ बहुत कि मुझे ये मौका मिल रहा है. तो अभी निकलते हैं. हाँ, लेट्स गो, लेट्स गो. और अभी हम लोग का सफर भी बहुत लंबा होने वाला है. तो गाइस निकल गए फाइनली, और अभी हम लोग को मक्का पहुंचने कितना टाइम लगेगा? मक्का 45 मिनट्स, फिर वहां से फर्दर. और हम लोग एग्जैक्टली मक्का नहीं जा रहे क्योंकि मैं अभी हुदूद में एंटर नहीं कर सकता हूँ, हम लोग बाहर ही रहेंगे. खाली वो मेरे भाई को उठाना है, सैफ को, सैफ को उठा के फिर हम लोग ताइफ जाएंगे. ताइफ पहुंचने 1.5 घंटा, थोड़ा सफर अभी थोड़ा लंबा है. फिर ताइफ पहुंच के वहाँ पे अहराम वो सब पहन के फिर वापस मक्का आएंगे. फिर जिब्रान भाई मेरे मामू के वहाँ चले जाएगा, मामू भी आए हुए होटल पे, तो मामू के साथ रहेगा. मैं और मुंबई से आए हुए, फिर उसके बाद मैं और सैफ जाके उमरा करेंगे, फिर उमरा करके वापस होटल पे आएंगे, मामू से मैं भी मिलूंगा, फिर उसके बाद हम लोग रात में फिर चलते हैं वापस. सो इट्स गोना बी अ रियली लॉन्ग डे, बस हिम्मत दे अल्लाह ताला और अच्छे से हो जाए सब. सबके लिए दुआ, सबके लिए दुआ करूंगा भाई. आप लोग के लिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे खानदान वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त लोग, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, सबके लिए दुआ करूंगा आज मैं इंशाल्लाह. فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ताइफ, और ताइफ पहुंचते ही वेदर हो गया एकदम माशाल्लाह.
और बाहर जैसा आप लोगों को दिख रहेगा पूरा फॉग फॉग। अभी हम लोग सऊदी के हिल स्टेशन पे आ चुके हैं अल हदा। कैमरा में इतना फॉग नहीं दिखता है जैसा रियल में दिख रहा है, बट समझ में आ रहा रहेगा आप लोगों को कितना फॉग है। अभी तो जीरो है, अभी तो हम लोगों को तो लिटरली अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, जितना कैमरे में दिख रहा है ना उतना भी नहीं दिख रहा है अभी। आराम लेने का तो गाइस हम लोग पहुंच गए फाइनली यहाँ पे। हम लोग आराम वो सब पहनेंगे और क्या वेदर है, मजा अभी ठंडा ठंडा तो काँप रहा है, थरथरा रहा है ये। अच्छी खासी ठंडी है यहाँ पे। हाँ बस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। बस अभी हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़े, अभी यहाँ से ताइफ से निकलेंगे मक्का, फिर इंशाल्लाह उमरा। तो बस हम लोग पहुँच गए बस हरम के पास ही है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा रहेगा क्लॉक टावर, और यहाँ हमारे साथ एक बीमार भी है। हम लोग हमारे मेरे मामू के लिए व्हील चेयर लेके जा रहे तो ये बैठ गया भी थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ अभी से। चलो भाई रश बहुत है और बस ऊपर तो अच्छे से हो जाए सुकून से। فتت الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا. فتت الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا سنتنا سنتنا. فشد العزم واصطبر لنرسوم درب رفعتنا وكوني للهدى علما لنكشف زيف ظلمتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا. तो गाइस तवाफ हो गया है कंप्लीट डन और अभी हम लोग जा रहे हैं सही करने के लिए। जो फीलिंग है ना गाइज मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, इतने सालों से एक कुछ ऐसा मिसिंग लग रहा था ना वो आज जाके मुझे ऐसा कंप्लीट फील हो रहा है। 4-4.5 साल बाद ये जगह पे, हाँ ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लगा बहुत। मैंने सबके लिए दुआ किया। अभी हम लोग जा रहे हैं सही की तरफ, वहाँ पे आप लोग से मिलते हैं। हो गया डन, अभी सही की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद उमरा खत्म। फिर उसके बाद आज कुछ आज मुंडन होने वाला है, मुंडन टकला कराऊंगा अभी जाके। मैंने ऐसा मतलब मैं चाहता तो नहीं भी करा सकता था, छोटे पूरे बाल मेरे कटवा सकता था, बट नहीं यार इतने सालों बाद आ रहा हूँ उमरा करने तो टकला करा ही लेता हूँ। सही ऊपर वाले के लिए तो कर रहे हैं हम लोग। बाकी क्या वाइब्स है यार यहाँ पे, मतलब मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से निकले। بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب. तो गाइस ये जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे हमें थोड़ा सा फास्ट वॉक करना पड़ता है, भागना पड़ता है हल्का सा। ये देखो इन लोग चालू हो गए। للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها. अब इसके पीछे की एक स्टोरी है जो आप लोग एक काम करना गूगल कर लेना अगर आप लोग को जानना है तो, कि सफा मरवा में क्यों भागते हैं ये वाली एरिया में। ऑलराइट गाइस तो तवाफ भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, सही भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, तो ऑलमोस्ट अभी मतलब 90% तो उमरा ख़त्म हो गया है। और अभी हम लोग यहाँ पे नमाज नमाज पढ़ के थोड़ा बैठे और अभी समझ रहा है कि हाँ उमरा हो गया है, क्योंकि पैरों ने
जवाब देना चालू कर दिया. ओ हो हो, ऐसा कोई ऐसा रात में ऐसा पैरों का मसाज कर देना, मज़ा आ जाएगी. और नींद जो आने वाली है आज, क्या बात है. बट ये जो पेन है ये स्वीट पेन है गाइस, इसको मज़ा आ रहा है. ये जो पेन हो रहा है ना, ये पेन में भी बहुत मज़ा है. बाकी मज़ा आ गई गाइस, उमरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. इतना सुकून मिल रहा है, इतना सुकून लग रहा है. मैं वो सुकून आप लोग को तो मैं बता नहीं सकता कि कैसा है वो सुकून. वो मेरे दिल में मुझे पता है कि कैसा है वो सुकून. बस यही चाहूँगा कि अगर आप लोग मुसलमान हो तो आओ एक बार उमरा ज़रूर करना. मौका है, अगर पैसा है आप लोग के पास तो बिल्कुल ज़रा भी देरी नहीं करना, आके उमरा करो और हज करो. सबको طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسي نفس مصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يداري لأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفي. दुआ करो बोल रहे सबके लिए. हाँ.